खाली हो गई। ए और बी टंकी को भरना मिनट 18 मिनट, 15-18 से कटने वाली राशि 90। 90 लाने के लिए विद्यार्थी जी ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी मुझे मालूम नहीं। आगे टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का भी प्रयोग किया था। ए और बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा को खोला जाता, तीसरे नल खुलने के 6 मिनट के बाद टंकी खाली हो गई। ए और बी 6 मिनट का मतलब विद्यार्थी जी ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ए और बी इधर भी 6 मिनट चला और आगे भी 6 मिनट चला था, 6-6। ए और बी जो 12 मिनट में काम करेगा ना, ए और बी जो 12 मिनट में काम करेगा, सी अकेले उसे, अर्थात सी की एफिशिएंसी देखिए यहां से भी 22 आ रहा। अब सी की एफिशिएंसी हम लोगों को 22 आ गया, अकेले कितने देर में खाली करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 × 80। आंसर यही है, किसी भी तरह से चलिएगा, आंसर कितना हो जाएगा 90/22। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डाटा में कुछ गड़बड़ी किया है। एक पाइप एक टंकी को 10 मिनट में, दूसरा 15 मिनट में, लेकिन तीसरा पाइप 5 मिनट में खाली कर सकता है। 10, 15, 5 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए विद्यार्थी जी 3, 2, 6 यानी टंकी लगता खाली होगा। नहीं देखिए ना लिखा होगा टंकी, देखिएगा यदि शुरुआती में पहले दो पाइप को 4 मिनट के लिए खोली गई, 4 मिनट का मतलब 520 भरा गया। अब तीसरा को भी खोल दिया गया, यानी तीनों की एफिशिएंसी 1 × T यानी कई मिनट में, जब खाली करने वाली बात होती है तो सी को खाली करेंगे जितना ए और बी भरा है, तो सी आने के पहले ए और बी 4 मिनट काम कर चुका था, तो 4 मिनट का काम 4×5। अब इसको खाली करेगा तीनों मिलके ना, सी भी खोला गया, मतलब ए भी तो रहेगा सी भी रहेगा। क्या आंसर मिल पाएगा आप लोगों से? आसान है, एक नल टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले ए को खोला गया, 6 घंटे बाद बी को भी खोला गया, तो उसके बाद टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी? तो आसान है, चलिए 10 और 6 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए विद्यार्थी जी यहां 3 यहां। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ए को कितने घंटे के लिए छोतिया, अब कह रहा है बी को भी खोल दिया गया विद्यार्थी जी, तो कितने देर में खाली हो जाएगा? जवाब दीजिए, 9 घंटे में ना। ओ बी को खोला गया, तो उसके बाद टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी? तो आंसर हो जाएंगे 9 घंटे में। क्या हुआ? अच्छा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन बना दीजिए और क्या, आप लोग को 9 घंटा आया है? लिखा हुआ है सबसे पहले ए को खोला गया, 6 घंटे बाद बी को खोलना है, तो 6 घंटे में छोतिया, उसके बाद बी को भी खोल देना है, तब बी खुल जाएगा, तो जल्दी देखिए 2 इफिशियंसी हो जाएगा, कितने देर में खाली हो जाएगी? तो आंसर हो जाएंगे 9 घंटे। आंसर कितने घंटे हो जाएंगे? बन जाएंगे। ए और बी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, ए को प्रथम 12 घंटे के लिए खोला जाए, शेष टंकी बी 9 घंटे में, तो आसान है। ए और बी जल्दी बोलिए कई घंटे? 10 घंटे, लेकिन इधर लिखा हुआ ए को 12 घंटा, शेष बी को 9 घंटा, तो आप जल्द से जल्द ए बी की एफिशिएंसी बोलिएगा, 10 × 12 यानी हो जाएगा 2, 9 × 10 यानी हो जाएगा 1। क्या आपको समझ में आया? बोलते नहीं है। अब दोनों मिलके 10 घंटा का मतलब टोटल काम 30 है, तो 30 काम करने के लिए इसको 30 घंटा लगेगा और इसको 15 घंटा। आंसर 30 और 15, तो टाइम एंड वर्क था। फिर से बन जाएंगे।
एक नल हौज का तीन वटा चार भाग बारह मिनट में, तीन वटा चार भाग बारह मिनट में यानी पूरा भाग सोलह मिनट बोल सकते हैं। उसी हौज का दूसरा नल दो वटा तीन भाग छह मिनट में, दो वटा तीन भाग छह मिनट में यानी पूरा नौ मिनट में, सही है। यदि दोनों नल को चार मिनट तक एक साथ खोला जाए तो हौज का लगभग कितना परसेंट, सीखिएगा। ए बी की इफिशियंसी बताइए, एलसीएम 144 ना, यहां हो जाएगा नौ, यहां हो जाएगा, अब टोटल 144 है तो चार मिनट में भर देगा 2500, वो भी परसेंट में तो गुना 100। पूरे टैंक का कितना परसेंट भाग भर गया, तो पूरा टैंक 144 ना, जिसमें चार मिनट में भरेगा विद्यार्थी जी 2500। फिर से बोलते नहीं है, इस 16 मिनट में पूरा भाग, तो चार मिनट में विद्यार्थी जी एक बटा चार भाग, एक बटा चार का मतलब 25%। तो 9 मिनट में पूरा, तो एक मिनट में एक बटा नौ यानी 11.9% एक मिनट में, तो चार मिनट में हो जाएगा 11.44.4/9 यानी टोटल हो जाएगा 69.4/9%। देखिए ना हल क्यों इतने आया होगा, आया था, देखिए आया है 69.9, तो लगभग पूछ रहा आंसर कितना होगा 70, नहीं बोल रहे हैं आप लोग को 100 बटा 144 गुने 100 आया था ना जी, हल करिए ना। चार से विद्यार्थी जी 36 बार में 4 से 25, चार से 9 बार में 4 से 25 यानी 625/9, 9×6=54, बाकी 8, 9×9=81, बाकी 4। देखिए तो इतना आया था, 69.4444% अर्थात लगभग 70। एक बटा चार भाग आठ मिनट में यानी पूरा भाग, जल्दी बोलिए, तीन बटा चार भाग बारह मिनट में यानी पूरा भाग 16 मिनट। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो पांच मिनट में कितना परसेंट, तो चलिए 16 और 32 से कटने वाली राशि 32 लाने के लिए यहां एक यहां दो, अब टोटल काम है 32, तो पांच मिनट में काम कर देगा पांतिया, अब परसेंट में निकालना यानी गुना 100। ऐसे भी रहता 16 रहता तो 50 आता यानी 50 से थोड़ा सा कम, अब 50 से कम एक के गो, आंसर देने आया जी। पूरा काम 32 माने थे जिसमें इन्होंने 5 मिनट काम कर दिया, तो 5 मिनट का काम पान दिया 15। फिर से, अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें।